तो अजीज मैं ये सोच रहा था, जैसे नॉर्मल यूट्यूबर्स व्लॉगर्स व्लॉगिंग करते हैं, मतलब एक एक मोमेंट को वो कैप्चर करते हैं, वैसे मैं नहीं करता। चेंज्ड ग्लव्स ऑन, अब बैग पहनेंगे और निकलेंगे। इस बाइक में भी ना बैक सेंसर और कैमरा होना चाहिए। पीछे करते हैं, सामने स्क्रीन पे देख लो कुछ है तो नहीं, लग तो नहीं रहा। What's up my lovely people, welcome back to the channel, this is RPJ and I hope you all are fine, I'm also fine. अभी अभी एक बंदा स्विफ्ट लेके जा रहा है, वो आगे निकल गया काफ़ी बहुत ही ज़्यादा गंदी स्पीड में। उसने टर्न मारा, वहाँ पे सारे लोग भी खड़े थे, भाई लोगों और जितने भी गाड़ी चलाने वाले बाइक चलाने वाले लोग हैं, प्लीज़ ऐसे टशन गिरी मत मारा करो, आपका तो ठीक है, दूसरों की जान खतरे में होती है। ठीक है, बहुत सारे घटना है ना ऐसी हो जाती है पलक झपकते ही। वहीं पर लड़की खड़ी थी, उसकी एकदम पास से उसने गाड़ी निकाली, कुछ भी हो सकता है एनी टाइम, प्लीज़ ध्यान दें। ओके, तो आज है 8 अप्रैल, सुबह के बज रहे हैं 7:52। मेरी बाइक की घड़ी के हिसाब से, मेरी बाइक की घड़ी धीरे धीरे अपने आप 5 मिनट आगे हो चुकी है। आई डोंट नो इसको क्या हो जाता है, कभी कभी बिल्कुल भी वॉइस कमांड नहीं लेता है मेरा, एक मूड मर्जी के मालिक। माय लवली पीपल मतलब अजीज हो। ओके, सो आई एम बैक। जी हाँ, आई एम बैक। ये भैया जी मेरे को देख रहे थे बात करते हुए। तो आज फिर से मैं घर जा रहा हूँ वापस, फिर से। देखो, रोज़ मैं घर जाता हूँ, रोज़ मैं स्कूल आता, देखा कितना कंसिस्टेंट हूँ मैं। और रोज़ आपके पास व्लॉग आता है पर फिर भी आप रोज़ नहीं देखते हो, है ना भाई? सच कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? कभी कभार देख लेते हो, कभी कभार नहीं देखते। अब बहुत से ऐसे देखते ही नहीं है, सब्सक्राइब करके भूले मैं। अरे भैया हम रोज़ वीडियो डालते हैं भैया, अरे भैया हमें देख लिया करो भैया, ये भैया, अरे देख लो भैया हमारा हमारा तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा भैया, हमारा बहुत कुछ हो जाएगा भैया, देख लिया करो भैया। ओके भैया, चले भैया, सब्सक्राइब करके मत बोलो भैया, वॉच द वीडियोस भैया। तो हाँ, अगर एज पर व्यूज़ और हमारा सब्सक्राइबर्स का रेशियो देखा जाए तो व्यूज़ बहुत ही कमाते हैं, बहुत ही कमाते हैं मेरी रोज़ की वीडियो पे। जो मैं चेक करता हूँ तो 100 व्यूज़ पार हो जाते हैं, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है कभी कभार तो। बट जितने भी हमें देखते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आप टाइम निकालते हैं और देखते हैं हमारी 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट या मैक्सिमम 20 मिनट की वीडियो कभी कभार हो जाती है, जो उसमें ज़्यादा कंटेंट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। और जितने नहीं देख रहे हैं, कभी कभार देख रहे हैं, उनको भी थैंक यू। आपके व्यूज़, आपका देखना हमें बहुत इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, देखते रहिए, जो चीज़ अच्छी लगती है उसको सीख लीजिए, सिखा दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, फिर बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर दियो, ठीक है, घंटी बजा दियो। बोला था ना मेरे छोटे ब्लॉगर ने, है ना, क्या करना है? लाइक भी कर दिया और घंटी भी बजा दिए, ठीक है, बेल भी बजा दिए, बेल भी बजा दिए और लाइक भी कर दिए। अरे आंटी आप तो घुसे जा रही हो, वो भी धीरे धीरे, या तो निकल जाओ या खड़े रह जाओ यार। What is this man? What is this? तो अजीज आई एम गोइंग बैक टू होम। और इस हफ्ते के वीकेंड में, यानी कि आज थर्सडे है, तो सैटरडे को आई एम प्लानिंग टू गो करोल बाग मे बी, क्योंकि पता नहीं है, कुछ पक्का नहीं है, ऐसा ऐसा है मामला, जाने का भी है और नहीं भी जाना है, क्योंकि ऑस्टिन को मेरे को कुछ कुछ काम है, ऑस्टिन को जैकेट लेनी है अपने लिए और मेरे को इस बाइक में कुछ कुछ अपग्रेड्स कराने जाके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक वो अपना फ़ोन माउंट लगवाना है मेरे को यहाँ पे आगे। और इस बाइक में तो अभी बहुत सारे काम हैं जो कि होने हैं एसेसरीज़ वाले, ये बाइक जैसे ही ली थी वैसे की वैसे ही है अभी तक, और जो काम कराने थे उसका पैसा सारा खर्च हो चुका है। हाँ, पैनियर्स भी आए रखे हैं, वो भी उठाने हैं मेरे को, तो देखते हैं कब होगा कैसे होगा।
तो आप लोगों को जैसे पता है कि मैंने जब बाइक ली थी तो मैंने एक एक्स्ट्रा हेलमेट भी लिया था अपने लिए साथ के साथ, वो थोड़ा सा ऑफ रोडिंग वाला लुक है उसका, चोंच निकली हुई आगे से, तो पता नहीं क्यों ले ली मैंने ज़बरदस्ती एवं ले ली, मतलब नई बाइक है तो नया हेलमेट भी ले लिया ऐसे ही, उसका कोई यूज़ है नहीं मेरे पास सच, बट फिर भी यूज़ करेंगे उसको एक बार, मैं ट्राई करूँगा। उसके लिए मेरे को माउंट ढूंढना है कि उस पर GoPro लग सके या अपना 360 डिग्री कैमरा 360 वाला, उसमें भी 4K माउंट है ना, तो वो लगा सकते हैं अपन, उससे भी ब्लॉगिंग हो सकती है मोटो ब्लॉगिंग। तो मेरे को टेस्ट करना है एक तो मोटो ब्लॉगिंग 360 1R से और वो हेलमेट लगाना है एक बारी, कभी भी भाई यूज़ में तो कभी भी आ सकता है, मेरे पास एक्स्ट्रा चीज़ें जब भी होती है ना तो वो कहीं ना कहीं यूज़ में आती है, तो एक पढ़ाई और एक सामान कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, याद रखिएगा कि मेरे को किसी ने बताया था जब हम छोटे थे कि भैया आपकी पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं चाहिए, आप जो सीख रहे हैं वो कहीं ना कहीं ज़रूर काम आता है। अब आप, आपको शायद पता नहीं है मैंने पता नहीं क्या क्या करा हुआ है, कभी बताएंगे आपको बैठ करके अच्छे से कहानी अपनी अपनी, थोड़े फेमस हो जाएं पहले अपन मतलब अपने देखने वाले भी तो हो, कहानी बता करके क्या हो खाड़ लेंगे अपन, बोला आप लोग देखते हो बहुत अच्छी बात है पर आप लोग मेरे को ऑलरेडी जानते हो अच्छे है ना भाई। तो एक दिन अपनी स्टोरी बताऊँगा मैंने क्या क्या किया हुआ है, कहाँ से काम शुरू किया था, अभी कहाँ पर हूँ और अब क्या, बट एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, मैंने डिजिटल मार्केटिंग की भी पढ़ाई करी हुई है जो कि यूज़ कहीं नहीं हो रही थी, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए थे जॉब के लिए पर मेरी जॉब कहीं नहीं लगी क्योंकि मैं था फ्रेशर उस टाइम पे, बट वो वाला जो काम है वो आज इस्तेमाल हो रहा है, थोड़ा बहुत मेरे को यूट्यूब फेसबुक की नॉलेज थी जो कि मैं आज इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर अपग्रेड हो चुका है अब बहुत कुछ, याद से 4 से 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ जब मैंने इसका कोर्स किया था। एनीवेज पढ़ाई हमेशा काम आती है बंदो, याद रखना अजीज़ों, आपने कुछ भी पढ़ा है कोई भी नॉलेज गेन करी है कहीं पर भी कहीं से भी, चाहे वो छोटी सी छोटी है चाहे वो बड़ी सी बड़ी है, ये आपके यूज़ में ज़रूर आएगी, बहुत आएगी सही बता रहा हूँ। बस थोड़े बहुत पढ़ लिए थे इसकी वजह से आज पढ़े लिखे कहलाए जाते हैं, थैंक्स टू आवर पेरेंट्स एंड एल्डर्स जिन्होंने हमें पढ़ने के लिए क्रिश करा और पढ़ाया है ना। तो आज अपनी बाइक करेगी नाले पार ऑफ रोडिंग नाले पार प्रैक्टिस, अरे भैया आगे वाले ने तो कर लिया अपना क्या होगा, लेट्स सी, अपनी बाइक तो बनी इसके लिए है। हो गई फिर भाई डर लगता है थोड़ा थोड़ा अब आप चल लद्दाख में चाहे ऐसे नॉर्मल रोड पे हो, मेरे साथ तो बड़ी बड़ी डेंजरस जगह से अपन निकल गए ऐसी खाली रोड पे एक्सीडेंट हो गया था तो कभी भी कुछ भी कहीं भी हो सकता है। ये चलाने का तरीका है इसका, यस। जब हम ट्रिप पे जाया करते थे मतलब अभी भी जाते हैं, मैं जब भी गया हूँ लास्ट टाइम तक, तो मैंने जब जितने भी ऑफ रोड बाइक्स देखी मैंने चलाते हुए, तो जैसे ही ऑफ रोड आता था मैंने बहुत सारे बाइकर्स को देखा कि वो खड़े हो जाते थे और वहाँ से स्पीड में निकाल लेते थे भाई साहब, मैंने कहा यार ये इनको डर नहीं लगता ये कैसे चला लेते हैं वो भी खड़े होके स्पीड में, तो अब जब मैंने अभी चलाया खड़े होके तो एहसास हुआ कि हाँ भाई निकल जाती है वाली बाइक बनी इस तरीके से कि ऑफ रोड पर स्पीड में निकल जाएँ, बस आप बैलेंस बना के चलो, बैठ करके आपको ज़्यादा झटका लगता है। भैया ओट्स मैगी है, ओट्स मैगी है, ओट्स मैगी। वीडियो यहाँ पर हो रही है रेंडर और शाम के बज रहे हैं 4:30 और यहाँ पर हम देख रहे हैं शील और ये बैठी है मेरी बीवी और मैं बैठा हूँ यहाँ पर जो मैंने पहन रखी है जस्टिस लीग की टी शर्ट, ऐसे निकल जाता है पूरा दिन जब से इस बंदी ने लैपटॉप छीन लिया मुझसे। क्यों करती है तू मेरे साथ ऐसा, ताकि तू मुझे दिखाए दिलाएगी नया लैपटॉप ना, हाँ तो ये मुझे मेरा मेरे को नया लैपटॉप दिलाएगी, मेरे को बहुत ही जल्द नया लैपटॉप दिलाएगी, दिलाएगी ना एप्पल का वो M1
मैकबुक प्रो M1 सिर्फ 1.5 लाख सिर्फ 1.5 लाख का है, सिर्फ, ठीक है, वो वाला दिलाती हो, फास्ट हो जाती है उससे एडिटिंग, पता है 1-2 मिनट में रेंडर हो जाती है पूरी वीडियो, एडिटिंग भी थोड़ी फास्ट चलती है। देखेंगे इन फ्यूचर, कुछ भी असंभव थोड़ी है ना भाई, कुछ भी असंभव नहीं है। तो अजीज़ मैं ये सोच रहा था, जैसे नॉर्मल यूट्यूबर्स व्लॉगर्स व्लॉगिंग करते हैं, मतलब एक एक मोमेंट को वो कैप्चर करते हैं, वैसे मैं नहीं करता, क्योंकि ज़्यादातर हमारे मोमेंट में ना एक दूसरे से ना पागलपंती कर रहे होते हैं, इसलिए बहुत सारे ऐसे मोमेंट हैं रिकॉर्ड नहीं होते हैं। तो अभी हम आए हैं साक्षी कुछ टेस्ट करा के, जो कि बहुत अच्छे आए हैं, साफ़ सुथरे आए हैं, कोई गंदगी नहीं मची हुई, बिल्कुल सब सही है, एंड शी इज़ हैप्पी। डॉक्टर को रिपोर्ट्स भेजते हुए सब कुछ बढ़िया है, सेट है। ऐसा कौन करता है कमेंट करके बताना, ठीक है, कमेंट डाउन बिलो, ओके, एंड टेल मी ऐसे कौन करता है, ओके, जिसके जिसके कान हो सुन ले और हमें बता दे कमेंट करके, ओके। तो अभी भी अपना इलाज चल रहा है नी का, मेरा अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि सब ठीक हो गया है, पर जो पैर में अभी भी स्टिफनेस जो पेन था वो है अभी भी हल्का फुल्का, मैं प्रॉपरली इस पर लोड नहीं डाल सकता अपने वाले पैर पे, एंड सुबह उठता हूँ तो जब पैर स्ट्रेट होता है उसके बाद जो है घुटने में स्टिफनेस रहती है और थोड़ा बेंड करने में भी है, हल्का फुल्का है और वो नोटिसेबल है, वो चल रहा है। तो दवाइयाँ ख़त्म होंगी फिर हम दोबारा से डॉक्टर के पास जाएंगे, पता चलेगा क्या है। बहुत लंबा हो गया भाई साहब, ये जनवरी में लगी थी चोट, फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4 महीने निकल गए ऑलमोस्ट, और अभी भी मैंने कोल्ड पैक इस पर लगा रखा है, एकदम घुटने के ऊपर जो होता है ना कैप उसी पे है सारा स्ट्रेस, सारी स्टिफनेस और जो भी पेन है। और मैं इस पैर पे लोड नहीं ले रहा, ये पैर एकदम कमज़ोर से हो गया है, मतलब बिल्कुल ही सूख गया मेरा, मेरी थाई मेरी लेग्स कभी भी ऐसे नहीं हुआ करती थी, बहुत ही उच्च थी। खैर समय समय की बात है, फिर बना लेंगे, बस ये जल्दी से रिकवर हो, मैं इससे पूरी प्रॉपर वर्कआउट भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि माइंड में एक चीज़ रहती है कि हाँ भाई यहाँ पर पेन है और यहाँ पर कुछ ना कुछ चोट लगी है, तो फिर वो ठीक से नहीं हो पाता, तो इसलिए जब तक ठीक नहीं होता तब तक हल्का फुल्का करते रहेंगे। तो जिस रात के बज रहे हैं 11:15 एंड नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस व्लॉग हियर ओनली, कल मिलेंगे दोबारा से नए व्लॉग में, माता के सामने, चूँकि सर कल है फ्राइडे, कल मुझे कहीं जाना था बट ड्यू टू स्कूल मैं नहीं जा पाऊँगा, देखते हैं अगर टाइम सेट बैठा, टाइम से फ्री हुए तो ज़रूर जाऊँगा और कल कुछ आपको नए व्लॉग में देखने को सकता है, मिल जाए कुछ नया टाइटल, समझ जाओगे तब मैं समझ जाओगे आपको। तो मिलते हैं कल ऐसे किसी अच्छे व्लॉग में नई बातों के साथ, नई चीज़ों के साथ, होप यू एंजॉय द वीडियो, इफ एंजॉय द हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज योर लव इज ऑल वी नीड, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। मैंने बोला था ना नहीं रिकॉर्ड कर पाते, मेरे को ये कैमरा ऑन करके रखना चाहिए क्या हमेशा, क्या हम एक एक चीज़ें रिकॉर्ड करें, क्या हमने जो बात करी आप वो रिकॉर्ड करना चाहिए। हाँ।